चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा वीडियो महत्वपूर्ण आपको देने वाला हूं मैं, जिसमें आपको वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं जो मैंने की थी और जो किस तरह से सत्य सिद्ध हुई। आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कि आपको एक भविष्य के बारे में बताएगा कि कैसी परिस्थितियां आगे आ सकती हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो दिया था, दैट वाज इन दिसंबर, और वो डेट जो थी दैट वाज 7 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर को दिया था। इसके पहले दो वीडियोस और दिए हैं, आप तीनों को देख सकते हो। मैंने उनमें एक जो क्रक्स था वो ये था कि सर्दी इस बार बहुत पड़ेगी, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं उनमें इतनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी कि कई वर्षों से नहीं पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हो उसमें। तो इस समय आप देख पा रहे हो परिस्थितियां कुछ वैसी ही बनी हुई हैं। अमेरिका कनाडा में बर्फबारी हो रही है, तूफान जिसको बर्फीले कहते हैं वो परिस्थितियां बनी हुई हैं, बहुत लॉस हुआ है, वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हो कि ऐसा कई पिछले वर्षों से अभी तक नहीं हुआ हुआ। बस एक मिनट क्लिप सुनाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो आपको कि ये है इस कारण से इस कंजंक्शन को बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कंजंक्शन कहा जाता है जो 21 तारीख को होने वाला है। अब 21 दिसंबर को दिन भी सबसे छोटा होता है, बताइए आपको, तो 21 दिसंबर के बाद में धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से उस तारीख को यह हो रहा है। तो अब क्या परिस्थिति बनती है जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं आपको, सर्दी बढ़ेगी कुछ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ठंडे ग्रह हैं, दोनों ही विशाल ग्रह हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये खगोलीय घटना कितने साल बाद होती है आप समझ ही सकते हो, इसीलिए मुझे इसका विवेचन आपके सामने देना था। तो कितने साल बाद एक साथ आते हैं, तो बड़े ग्रह हैं दोनों। जुपिटर का व्यास सबसे ज्यादा है, जुपिटर का विस्तार सबसे ज्यादा है, उसके बाद सैटर्न का है और जुपिटर के बाद ही सैटर्न की स्थिति है। मैं इसका विवेचन दे चुका हूं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ दूरी भी बताई है और इनका सबका घनत्व भी बताया, डेंसिटी भी बताई है। तो अभी क्या है कि यहां पर ठंड बढ़ेगी और कुछ महत्वपूर्ण जिनको कहते हैं स्टॉर्म्स आ सकते हैं, आंधी तूफान, इस तरह की परिस्थितियां, आकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हो सकती हैं, मींस पानी। यह वीडियो आप पूरा सुन सकते हो। इसके अलावा दो वीडियोस और हैं जिसमें क्लियर बताया है अमेरिका कनाडा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी और ठंड बहुत पड़ेगी। देख रहे हो आप, लगातार न्यूज सुन रहे होगे आप, ये परिस्थितियां बनी हुई हैं लगातार। वहां से हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लगातार भेज रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं, उनकी आप पिक्चर बना के भेज रहे हैं कि आप जो है ये दिखाइए यहां पर यह परिस्थिति बनी हुई है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा वहां पर कुछ इलाकों में ठंड पड़ रही है और वहां काफी इससे नुकसान भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यह सर्दी मैंने बताई थी, यह ठंड बताई थी, यह परेशानियां बताई थी जो आप देख पा रहे हो आज वहां पर हो रही हैं। इसके अलावा मैंने और भी कुछ बताया था। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि लगभग उसी क्रम में घटनाएं घटित होती पाई जाती हैं। कई आप घटनाएं देख चुके होंगे कि जो मैंने पहले बताया वो ही बाद में घटित हुआ। किसान आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें सरकार कानून वापस नहीं लेगी, जो सुधार हैं उनके बारे में तैयार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जजमेंट दिया, सरकार ने भी वही दिया, आज तक वही परिस्थिति है। मैंने कहा था आंदोलन समाप्त नहीं होगा, कमजोर होगा, हल्का होगा, देख रहे हो आप वही परिस्थितियां बनती चली जा रही। अब इसमें क्या होगा बताऊंगा मैं, कुछ बहुत बड़े चेंज होने वाले हैं, क्या होंगे वो आपको अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। अगला पॉइंट, मैंने बंगाल के बारे में बताया था कि बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करेगी, बम से हमला, गोली से हमला, बलवा, ये सब कुछ होगा। और देख आप देख रहे होंगे इस समय वही परिस्थितियां हैं कि हर जगह पर आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं,
एक दूसरे का नाम उछाला जा रहा है। परसों फिर हमला हुआ है, जो कोई टीएमसी के कोई मंत्री थे उन पर हुआ है, और बीजेपी का नाम आ रहा है उसमें। यही मैंने बताया था कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके ऊपर हमला होगा और दूसरे के ऊपर उसका नाम लगाया जाएगा। तो ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। बंगाल की आगे क्या परिस्थितियां होंगी वो भी मैं बताने वाला हूं। कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वो घटना ज्यादा बड़ी है, मैं बताने वाला हूं बहुत जल्दी, इन्हीं चुनावों से संबंधित है। अगला बिंदु आपको याद होगा, मैंने जो भूकंप के बारे में बताया था, एक टाइमलाइन दी थी, उसी टाइम पर भूकंप घटित हुआ, आप देख सकते हो, और उसमें बहुत जनहानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी फ्रिक्वेंटली कई जगह पर भूकंप आए उस कालखंड में। तो वो भी पूरी तरह से भविष्यवाणी अपनी जगह सत्य सिद्ध हुई। कहने का अर्थ यह है कि जो मैंने पिछले 6-8 महीने में आपको भविष्यवाणियां दी थी, जो बताया था कि अब आगे ये हो सकता है, वही लगभग घटित होता चला जा रहा है। आज तक आपने वही देखा होगा, जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने जो जो वीडियोस दिए थे, आप वही घटनाएं घटित होती हुई देख पा रहे होंगे। अब आगे क्या होना है, कुछ महत्वपूर्ण कुछ देशों में विशेष घटनाएं घटित होनी है और कुछ प्रदेशों में घटित होनी है। जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको विवेचन देने जा रहा हूं बहुत जल्दी ही, और कुछ देशों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन मैं आपको, जैसे अमेरिका के बारे में दिए थे, उसी तरह से कुछ देशों के विवेचन हमारे पास तैयार पड़े हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोगों ने लगातार हमें कई भविष्यवाणी, हम कौन कौन सी भविष्यवाणी बताएं, आपने बीच में हमें रिक्वेस्ट भेज दी थी इसके बारे में, मैच के बारे में, इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में क्या होगा, तो वो भी मैंने आपको ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट डे, पहला दिन जब खत्म हो गया था, उस पर बताया था कि ये मैच इंडिया जीतेगी और ये स्क्वायर कर देगी ये सीरीज। तो वो भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी लगातार, जो 7,000 लोगों की एकदम आ गई थी उसमें, भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच की, वो भी आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से वही भविष्यवाणी सिद्ध हुई। तो जो भी महादेव की कृपा से जो भी बोला गया है पीछे, वो पूरी तरह से सत्य और लगभग उसी क्रम में घटित हो रहा है। आगे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, जुड़े रहिए आप और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु, क्योंकि यहां पर आपको यूनिक टाइप के हम घटनाक्रम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द मैं देने वाला हूं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।